प्रतापपुर थाना पुलिस ने सियाराम पासवान के बाउंड्री से 950 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर की बरामद। चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी। प्रतापपुर थाना पुलिस ने सियाराम पासवान के बाउंड्री से 950 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर की बरामद। चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को लगातार गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र जोगियारा में सियाराम पासवान के बाउंड्री के अंदर अवैध ब्राउन शुगर रखा हुआ है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऊंचे स्थान से करीब 950 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ बरामद किया। संबंध में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, जिससे योगियारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना का घेराव कर लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस निरीक्षक प्रतापपुर लव कुमार, थाना प्रभारी विनोद कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर वापस गांव भेजा और पुलिस अनुसंधान में जुट गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि बहुत जल्द दोषी पुलिस की हिरासत में होगा। अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भलुआही गांव है, पंचायत जोगियारा, वहां पर एक व्यक्ति हैं सियाराम पासवान, उनके बाउंड्री के अंदर में ब्राउन शुगर रखा हुआ है जो अवैध है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा, पुलिस निरीक्षक प्रतापपुर लव कुमार, थाना प्रभारी प्रतापपुर विनोद कुमार, अखिलेश यादव एवं अन्य पदाधिकारियों की एक टीम बनाई गई। सुबह में जब वहाँ छापेमारी की गई तो बाउंड्री के अंदर में टायर एक पुराना रखा हुआ था, उसके पीछे से झाड़ी से लगभग 950 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ को सीज किया गया है। और प्रथम दृष्टिया यह संदिग्ध मामला लग रहा है अभियुक्त को लेकर के। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे रहें, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही जो भी इस कारोबार में संलिप्त लोग हैं वो सलाखों के पीछे रहेंगे। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान किया जा रहा है। थाना कभी घेराव किया गया है? घेराव ऐसा सच नहीं है, कुछ लोग आए थे, वो गांव से अपनी बातों को रख रहे थे कि यह प्लांटेड है, और पुलिस भी अभी अनुसंधान कर रही है। चूँकि जब तक हम लोग अनुसंधान क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं है, यह अनुसंधान का विषय है, उसे अभी हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कितना होगा? ये इसका हम लोगों को आइडिया नहीं है, परंतु यह काफ़ी कॉस्टली बिकता है और डिपेंड करता है कि वो कैसा कहाँ पर क्या है। अभी गिरफ्तारी नहीं है, पूछताछ की जा रही है, जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे, इसमें पूछताछ करेंगे, उसके बाद चीज़ों को कड़ी जोड़ेंगे, कड़ी जोड़ करके फिर हम लोग निर्णय लेते हैं, और उसके बाद ही हम लोग किसी को न्याय प्रॉपर किसी का गिरफ्तार नहीं। अभी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी वाट अभी नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया किसी को भी।